हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज है रक्षाबंधन और मैं जस्ट नहा के आई हूँ और मैंने पूजा वूजा भी कर लिया है। आज सावन का लास्ट सोमवार है तो अभी मेरे को मंदिर भी जाना है जल चढ़ाने के लिए। मैं पहला सोमवार गई थी जल चढ़ाने और अभी ये लास्ट जाऊंगी। इसके बाद क्योंकि आज है रक्षाबंधन तो मेरा भाई भी आने वाला है। वो एक्चुअली घर चला गया था बट फिर इसी मंथ के फर्स्ट अगस्त को मेरा भाई वापस दिल्ली आ गया था तो अभी यहीं से वो पढ़ाई वढ़ाई करेगा। और राखी बांधने का आज मुहूर्त भी है, लास्ट टाइम भी था इस टाइम भी है। लास्ट टाइम मेरा भाई लेट हो गया था 5-10 मिनट, तो इस बार मम्मी ने स्ट्रिक्टली बोला है कि टाइम पे चले जाने के लिए। अभी मैं लगाऊंगी एकोलॉजिका का सनस्क्रीन, मुझे टाइम बिल्कुल नहीं था तो मैंने जस्ट मेहंदी लगवाई है ऐसे ही, इसमें तो बस मैंने ऐसे लगा लिया है। मैं नेल एक्सटेंशन भी करवाने वाली थी बट टाइम नहीं था, देखती हूँ करवाएंगे क्योंकि मेरा मन कर रहा है नेल एक्सटेंशन कराने का। अब मैं लगाऊंगी ये लिप बाम, ये परफ्यूम भी लगा लेती हूँ मैं थोड़ा सा। गाइस, दिस परफ्यूम इज़ वेरी सुंदर। सो वी आर डन, बस मुझे सिरम लगाना है अपने बाल में। We are ready for the day. ये वाला सिरम लगाऊंगी मैं अभी, ज़्यादा नहीं, you have to take 2 drops. बस जस्ट अभी मैं आई हूँ मंदिर से एंड नाउ आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे 2 कचौड़ी हैं, उसके साथ ये सब्जी एंड 2 जलेबी। तो कचौड़ी ख़त्म हो गई है, अब ये जो जलेबी है इसको हम सब्जी के साथ ट्राई करेंगे। जलेबी मीठी है, सब्जी थोड़ा सा, बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन लग रहा है। एंड नो इट्स नॉट अ वियर्ड कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा लग रहा है। सो लेट मी एंजॉय दिस एंड मैं आपसे कुछ देर में मिलती हूँ। वाह, ओके। सो मैंने जैसे कि ये मेहंदी लगाई हुई है तो ये वाली जो मेहंदी लगाई हुई है ना, इसमें रेड या फिर मरून कलर का जो नेल पेंट है ना वो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जस्ट लेके आई हूँ ये वाला नेल पेंट, लेके आई हूँ 7Cs का। इस कंपनी के साथ मैंने कोलैबोरेशन किया हुआ है तो इसको मैं अभी लगाने वाली हूँ। ये रेड नहीं है, ये पिंकिश लग रहा है ना, सुंदर। हाय गाइस, सो आई शॉट दिस गेट रेडी विथ मी। इसकी वीडियो मैं डाल दूंगी शायद इस वीडियो के बाद आए या फिर आ गई होगी, तो देख लेना। मेरा भाई भी आ चुका है सो अभी मैं जा रही हूँ थाली सजाने राखी की। एंड दिस इज़ द बेस एंड बेस बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ओह माय गॉड, वाओ, नाइस। सो लेट्स गो, लेट्स डू द प्रेपरेशन। थाली से जाते हैं थोड़ा सा। बाबू मिठाई होगी इसमें, देना जरा। मिठाई होगी इसमें। जानती हो कौन सा खाते हैं? हाँ हमको पता है ना, हम भी तो यही खाते हैं। रुको रुको अभी, रुको 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 रुको, खा लिया अभी से एक, खा लिया ला दे मेरे को एक मिठाई। कौन सा खाओगे बता, वही रखे। गुलाब जामुन, गुलाब जामुन काजू कतली भी रख दे रहे हैं ना बाबू, थोड़ा बंद कर देना तो, बंद कर देना। खड़ा कर देना।
तेल में डाल के नहीं करता, पानी में डालता है। तुमको कुछ पता होता तो है नहीं, चुप रहो एकदम, चुप बैठो। बाबू अच्छे से रख करो। आप कैसे? चलो 2 मिनट का वीडियो वेस्ट हो गया। देखो इतनी सुंदर सी राखी लाया हूँ मैं, ठीक है? अरे छोड़ मारूंगा ना, सही हो जाओगे। टाइट नहीं जा रहा। बताना फिर कितना? बस 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 उसी हिसाब से पता चलता है ना। अच्छा तो पैसा दे। ऑनलाइन कर दे। ऑनलाइन नहीं, पैर छुओ। चलो पैर छुओ, बड़े हम तुमसे। तुम्हारा अच्छे से जॉइनिंग हो जाए। तो बांध लिया राखी, अभी फोटोज़ वोटोज़ भी ले लिया है, अब जा रहे हैं खाना खाने। थोड़ा सा और फोटोज़ मैं अपना सोलो लूँगी, इसके साथ ले लिया है। अब मैं अपने साथ लूँगी थोड़ी सी फोटोज़, उसके बाद I'll see you guys, ओके बाय। कर दो बाय, कर दो बहू। हमारे बर्गर से। हाय गाइस, सो अभी मैं जस्ट अपने भाई को छोड़ के आई हूँ एंड आई एम वेरी टायर्ड। अभी आई विल रिमूव माय मेकअप एंड भूख लगी है, कुछ खाएंगे। हाय यू गाइस, वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। आज है संडे और आज है सितंबर 1st। सो आज हम जा रहे हैं सरोजनी नगर। राखी के बाद मैंने ब्लॉग ही नहीं किया बिल्कुल, मेरा मन नहीं कर रहा था, थोड़ी बहुत तबीयत भी ख़राब थी, ज़्यादा कुछ नहीं, सर्दी ज़ुकाम मौसम चेंज की वजह से। सो या अभी मैंने अपना स्किन केयर कर लिया है। राइट नाउ आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट। सो आज ये बना है चाट, फोकस, हाँ ये है आज चाट बना हुआ है। मैं अच्छे से दिखाती हूँ बैक कैमरे से, वेट। सो दिस इज़ व्हाट द ब्रेकफास्ट लुक्स लाइक। ओके सो आई जस्ट टुक शावर एंड राइट नाउ आई एम गेटिंग रेडी टू गो टू सरोजनी नगर। थोड़ा सा लेट हो रही हूँ मैं, सो रेडी हो जाती हूँ, देन आई विल टेक यू गाइस अलोंग विद मी। सो या I'll also take this fan, chotu sa. अरे यार ये चार्ज नहीं है, oh my god. Just in case, क्योंकि आज बहुत गर्मी है, इतने दिन से इतनी बारिश हो रही थी, आज सरोजनी जाना है तो इतनी गर्मी हो रही है। Let's see if we can charge this, क्योंकि late हो रहा है बहुत ज़्यादा। We are done, so now let's go. I think एक पानी का बॉटल, एक झोला, मेट्रो कार्ड, ट्राईपॉड क्योंकि आई विल बी फिल्मिंग थोड़ा बहुत और हाँ बस इतना ही है। सो लेट्स गो गाइस। गाइस यू आर टेकिंग दिस झोला बिकॉज बहुत सारा सामान हो जाएगा, सो यू शुड ऑलवेज कैरी अ झोला। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू कैरी एंड इसी में सब अपना सामान डाल के लेके आऊँगी मैं। दिस इज़ द वाटर बॉटल दैट आई एम गोइंग टू कैरी, इसके बाद मेट्रो कार्ड एंड ऑल दैट स्टफ जो मैंने तुम लोगों को पहले बता दिया। सो नाउ लेट्स गो, थोड़ा सा फैन चार्ज हो जाए एंड यू आर गुड टू गो। अब मैं तुम लोग से मेट्रो स्टेशन पर मिलती हूँ। सो या बाय।
वेलकम बैक। सिंस इट्स अ सरोजनी नगर वीडियो, मैंने सोचा कि वॉइस ओवर करना तो बनता है। तो जैसे ही तुम मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलोगे, पटरी मार्केट तुमको वहीं से दिखना शुरू हो जाएंगी। सो इफ यू डोंट नो, लेट मी टेल यू, पटरी मार्केट इज बेसिकली जो नीचे बिछा के वेंडर्स सामान बेच रहे होते हैं। नाउ यू ऑल नो सरोजनी नगर इज अ स्ट्रीट मार्केट एंड देयर इज नो ट्रायल रूम्स, सो दिस इज द बेस्ट वे यू कैन चेक योर बॉटम्स बिफोर बाइंग इट। This is my first purchase, girls. Okay, thank you. Okay. Okay. Anything that is trending on Instagram and let's suppose वो चीज़ तुम्हें कहीं नहीं मिल रही है, तुम सरोजनी जाओ और वहाँ पे वो चीज़ तुम्हें definitely मिल जाएगी। अब मैं ये चीज़ तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये bracelet अभी Instagram पे बहुत ही ज़्यादा trend कर रहा है और ये वहाँ पे सिर्फ 100 रुपए की मिल रही है। ये same bracelet Meesho पे 150 से ज़्यादा की मिल रही है और Amazon की तो तुम बात ही मत पूछो। इस वाले पटरी मार्केट पे सारी चीज़ें 100 रुपए की मिल रही थी, जैसे कि ये दो नेकलेस देख लो, इसके साथ इयररिंग्स भी था और ये सिर्फ 100 रुपए की थी। इस वाले शॉप का कलेक्शन मुझे बहुत ही सुंदर लगा। अब ये पायल ही देख लो कितना सुंदर लग रहा है। लास्ट टाइम तो इसको मैं नहीं लेके आई थी लेकिन मैं इस बार फिर से जाने वाली हूँ और इस बार पक्का से इसको लेके आऊंगी मैं। जैसा कि मैंने बताया कि मेट्रो स्टेशन से निकलते ही तुम्हें बहुत सारी पटरी मार्केट मिल जाएंगी, उनमें से ये एक शॉप थी जहाँ पे टॉप मिल रहा था वो भी सिर्फ 50 रुपए की। मेट्रो स्टेशन के बाहर जितनी भी शॉप्स लगती हैं उन सबको चेक किया करो क्योंकि वहाँ पे 50, 100 यहाँ तक कि 20 रुपए के भी कपड़े आराम से मिल जाते हैं। इसी के साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि कपड़ों को बहुत अच्छे से चेक किया करो क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कपड़ों में कुछ डिफेक्ट मिल जाता है। अब अगर हम बात करें इयररिंग्स की तो वहाँ पे वेस्टर्न और एथनिक दोनों तरीके के इयररिंग्स की कलेक्शन तुम्हें देखने को मिल जाएंगी और वो भी बहुत अफोर्डेबल रेट्स में। आजकल सेलिब्रिटीज जो भी पहन रहे हैं वो बहुत जल्दी ट्रेंड करने लग रही है इंस्टाग्राम पे, जैसे कि ये इयररिंग्स हेली बीबर ने पहना था और ये तभी से ट्रेंड कर रही है। इसको ड्रॉप इयररिंग्स बोलते हैं और ये सरोजनी में सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए की मिल रही है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस भी अवेलेबल थे जैसे कि ग्रीन, रेड, तुम अपने हिसाब से कलर चूज कर सकते हो। पहनने पे ये इयररिंग्स बहुत खूबसूरत लगती है स्पेशली वेस्टर्न ड्रेस पे, तो जब ये स्टार्टिंग में ट्रेंड कर रही थी तभी इसको मैंने ले लिया था और सिर्फ 50 रुपए में। कितने कितने के भैया? 100 का 4 है। अगर तुम्हें इस मार्केट के बारे में जरा सा भी आइडिया होगा तो तुमको पता होगा कि ये मार्केट लड़कियों की शॉपिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन कुछ टाइम पहले से यहाँ पे लड़कों के लिए भी कपड़े मिलने लग गए हैं और अब तो बच्चों के लिए भी कपड़े मिलते हैं यहाँ पे, दैट टू एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस। ये स्लीपर्स स्लैश क्रॉक्स भी चेक कर सकते हो जो कि सिर्फ 100 रुपए की मिल रही थी। जैसा कि मैंने तुम्हें कुछ देर पहले बताया कि कुछ वेंडर्स वहाँ पे कपड़े 20 रुपए के भी बेचते हैं, तो ये भैया उन्हीं में से एक थे। इनके पास टॉप के कलेक्शन थे और सिर्फ 20 रुपए के ये टॉप्स बेच रहे थे, तो लगे हाथ मैंने भी यहाँ से एक टॉप ले लिया है। अब उस टॉप को मैं किसी वीडियो में पहनूंगी तो तुम लोग को दिखाऊंगी। अभी हमने बस शुरू किया है, अभी हम मार्केट में घुसे तक नहीं है एंड इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है गाइस। नहीं ये अच्छी नहीं लग रही, फ्लोरल दिखाओ ना, ये सब पार्टी वेयर मत दिखाओ। ये शॉप मेरी फेवरेट लिस्ट में आती है, तो जब भी मैं सरोजनी जाती हूँ ये शॉप मैं ज़रूर से चेक करती हूँ। इस शॉप में आपको ड्रेस, कॉर्सेट, टॉप, बॉडी सूट, स्विम सूट सारी चीज़ें मिल जाएंगी एंड मुझे लगता है कि अगर तुम्हारा बर्थडे आ रहा है तो ये शॉप तो तुमको चेक करनी ही चाहिए, काफ़ी अच्छे ड्रेसेस होते हैं इनके पास में। अंकल जी का बिहेवियर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, अगर तुम्हें कुछ नहीं पसंद आ रहा है ये तब तक तुम्हें कुछ ना कुछ दिखाते रहेंगे जब तक तुम कुछ पसंद ना कर लो। इस थोड़ी हाँ ऐसे ही मैं फ्लोरल टाइप में कुछ दिखा, कैजुअल। हाँ अब बोलो, तो ड्रेस थोड़ा तेज बोली ना, जोर हाँ जोर से हाँ, तो ड्रेस कोर्सेट बॉडी सूट फॉर्मल पैंट स्कर्ट डेनिम जैकेट। हाँ अच्छा बोल रहा, बताइए। हाँ पैंट हाँ स्कर्ट हाँ घर भी तो सारे मिलेंगे, ठीक है, थोड़े अच्छी क्वालिटी होंगे जो कि ठीक है महंगा, ठीक है ठीक है ठीक है। और अपना शॉप नंबर बताइए। 191 ठीक है, अब ऐसे बोल दो सब्सक्राइब। थैंक यू।
सरोजनी नगर में फोन कवर्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं, 100 रुपए से इनकी प्राइस शुरू हो जाती है। और ये फोन के चेन भी मिल रहे थे, भैया ने 150 बोला था, लेकिन मैंने 100 रुपए में यहाँ से एक चेन लिया है। मैं तुम लोग को अपने हर सरोजनी के वीडियो में यही बोलती हूँ कि थड़ीस को बिल्कुल मत भूला करो, इनको जरूर चेक किया करो, क्योंकि यहाँ पे कुछ बहुत अमेजिंग पीसेस मिल जाते हैं। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि हमें कभी अच्छे कपड़े नहीं मिलते हैं, दैट्स बिकॉज गाइस यू डोंट हैव पेशेंस एंड सरोजनी नीड्स पेशेंस। तो अगर तुम्हारे पास पेशेंस नाम की चीज नहीं है तो सरोजनी प्लीज मत जाया करो। बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं। ले जाओ, वी केम टू बर्गर किंग। हम आए अभी बर्गर किंग, हम आए अभी बर्गर किंग एंड ये हमारा नहीं है, ये किसी और, ये वाला नहीं पैक हो रहा है। तो अभी हम आए हैं एंड बहुत ज़्यादा थक गए हैं, कुछ व्लॉग नहीं किया मैंने, इतनी ज़्यादा गर्मी। सो अब चलते हैं घर। आसमान देखो, आसमान। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे, और कल मैं सरोजनी से आई थी, उसके बाद मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया था क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी कल और बहुत ही ज़्यादा मैं थक गई थी। सो सीधे मैं आके सो गई थी। मैंने कल सोचा भी था कि मैं जाती हूँ सरोजनी और व्लॉग करूँगी, शॉप नंबर्स वगैरह आप लोगों को बताऊँगी और कुछ ट्रिक्स बताऊंगी कि क्या कैसे शॉपिंग करनी होती है, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और आज का मौसम देख लो, इतना सुंदर मौसम हो रहा है, सुबह हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, आज धूप भी नहीं है बिल्कुल। ओके गाइस, एनीवेज, सो अभी मैं जा रही हूँ जिम, और जिम के लिए मैं ऑलमोस्ट रेडी हो गई हूँ। और मैं फ़ोन लेके नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं अगर फ़ोन लेके जाती हूँ तो मैं सिर्फ फ़ोन में ही लगी रहती हूँ, वीडियोज़ फ़ोटोज़ लेती रहती हूँ, और वर्कआउट में ज़्यादा फोकस नहीं कर पाती हूँ। सो मैं फ़ोन लेके नहीं जाऊँगी, तो चलते हैं जिम। उसके बाद मैं जिम से आने के बाद मिलती हूँ, देखती हूँ क्या करना है, आज का दिन कैसे प्लान करना है। सो या लेट्स गो। Hi guys, what's up? So this is a new mic that I'm testing. Let me know कि कैसा sound आ रहा है तुम लोगों को। ये mic है Digitech का, ये मुझे just अभी receive हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं एक video बना रही थी, मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ। अब मैं outdoor videos के लिए जैसे सरोजनी वगैरह में जा रही हूँ, तो मैं वहाँ पर इस mic को लेकर जा सकती हूँ and on the spot मैं कुछ कुछ चीज़ें वहाँ बता सकती हूँ। बाद में मुझे वीडियोस में वॉइस ओवर करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि मुझे हेडेक लगता है कभी कभी। बट एनीवेज, दिस इज़ द न्यू माइक एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं। सो या यही बताना था मुझे। बाय। फिर से भैया ये
हाय 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 हेलो, चलो 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 चलो, लेट्स गो इनसाइड। अभी मैं आई हूँ अपनी एक दीदी के यहाँ। तो ये मेरे साथ मेरे ग्रेजुएशन के टाइम में थी, हम सेम हॉस्टल में थे, तो मैं उन्हीं के घर आई हूँ। तो अभी क्योंकि गणपति जी का स्थापना चल रहा है, तो अभी दीदी लड्डू बना रही हूँ उसके लिए। लुक एट हिम, ही इज सो क्यूट। हाय दीदी, यू आर सो क्यूट। घी डाला, ठीक है। अब हम धीरे धीरे करके बेसन डालेंगे, ठीक है। बाय द वे, शी इज अ गुड कुक, अच्छा बनाती हैं ये। आई कैन इंसर्ट सम पिक्चर्स। अब कुछ नहीं, इसको 15-20 मिनट अच्छे से भूनेंगे, जब तक बेसन हल्का सा ब्राउनिश होने लगे। अच्छा, इसमें से एक एरोमा आने लगेगा। अच्छा, समझ जाएंगे कि बेसन भून गया है। ठीक है, सो एक रेसिपी दे रही हूँ मैं। मैंने सोचा कि इंक्लूड कर लेते हैं। होने लगा ना ब्राउन, हाँ, इसमें से खुशबू भी आने लगी है। बस इसको थोड़ी देर और हल्का सा और भूनने देंगे, फिर इसमें हम ये ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। ठीक है, ये वाले ड्राई फ्रूट। इसका कलर चेंज हो गया, ब्राउनिश तो हो गया ना। हाँ, बस अब इसको इस परात में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, ठंडा होने देंगे। ठीक है, एक अच्छा सा बाइट आता है। ओके, पहले हम थोड़े डाल के देखते हैं, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बेसन के लड्डू में बेसन का टेस्ट आता है। अच्छा, ये पड़ते नहीं है ना, लेकिन ड्राई फ्रूट्स मैंने कभी खाया नहीं है। आपकी मर्जी, आप डाल सकते हो चाहो तो। अच्छा, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा से अरोमा आ रहा है पूरे किचन में, बहुत अच्छा है, जैसे लग रहा है जाएगा, खाओगे ना। हाँ, थोड़ा सा। हाँ, क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है, जस्ट निकाला ही है, इसको घुमाना इम्पोर्टेंट होता है, नहीं तो नीचे नीचे का जल जाएगा और ऊपर ऊपर का सही रहेगा। अच्छा, तो ये मतलब अभी अभी तो गैस बंद कर दिया ना, फिर कैसे? गैस बंद है, पर वो ये अपने आप में बहुत गर्म है ना, वो सेल्फ कुक करता रहता है। अच्छा, पूरा इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ चीनी, इट्स मेड डिफरेंटली। ओके, ये भी हाथ आज ये तो वो लोग अपने कपड़े उसे दे देते थे, लाइक विच एवर वन दे वर नॉट यूजिंग। कल ये लड्डू बनाने की या मोदक बनाने की हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन शेप नहीं आ पा रहा था, तो हमने इसको ओवरनाइट फ्रिज में रखा, फिर इसे थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में होने दिया, जिससे घी थोड़ा सा जम गया है। तो अब इसको शेपिंग करना आसान हो गया है, जैसे कि ये सी। ओह माय गॉड, कितना क्यूट लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। अभी दीदी दूसरा भी बना के दिखाएंगी। वाओ, अब ऐसे ही करते करते हम सारे बना लेंगे। गाइज, वी आर डन, सारे मोदक बन गए, सुंदर लग रहे हैं। अलेक्सा, प्ले सुख करता दुख हरता मराठी वर्ड। हियर सुख करता दुख हरता by Suresh Vadkar on Amazon Music. Jai Dev, Jai Dev, Jai Mangal Murti. बोलता है ये मुझमें कितने साल का छोटा छोटा लग रहा है, 22-23 साल। 24 ना। बोलो, कैमरास ऑफ। कैमरास ऑफ। प्लीज। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ऐसे कर। हम वॉक करने जा रहे हैं। एंड कैन यू सी, हम इसमें जा रहे हैं गाइस। We're going in this car. Park जा रहे हैं basically. And do you want to see my outfit? T-shirt,
जीन्स, इसमें जा रहे हैं हम वॉक करने के लिए। लेट्स गो। हाय गाइस, सो हम पार्क आ चुके हैं एंड आई डोंट नो विच पार्क इज दिस, बट मैंने वॉक कर लिया एंड अभी मैं बोर हो रही हूँ, सो मैं दीदी का वेट कर रही हूँ। मीनवाइल आई एम ऑल्सो टेकिंग अ लॉट ऑफ पिक्चर्स टू पोस्ट ऑन माई इंस्टाग्राम स्टोरी। सो या दिस इज द अपडेट फॉर नाउ, लेट्स गो। चले चलना नहीं डेडी जा रही, देन गिव हाई फाई, गिव हाई फाई, हाई फाई टेडी, टेडी हाई फाई, हाई फाई टेडी, ये गुड बॉय, यू आर सो क्यूट, यू आर सो क्यूट टेडी। गाइस बन रहा है डिनर और डिनर में बन रहा है पोहा। अब आप पूछोगे पोहा कौन खाता है डिनर में, हम खाते हैं, हम हॉस्टल लाइफ क्रिएट कर रहे हैं। समझे तुम लोग, समझे क्या? शुक्र बनाओ मैगी नहीं खा रहे हैं। हाँ मैगी नहीं खा रहे हैं। हाय गाइस गुड मॉर्निंग, तो आज है गणपति बप्पा का विसर्जन और अभी बज रहे हैं सुबह के 11 बज रहे होंगे कुछ, और घर में थोड़े बहुत गेस्ट आने वाले हैं तो दीदी प्रेपरेशंस कर रही हैं, सब घर में मिलकर कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। बाय द वे ये हैं हमारे गणपति बप्पा और ऐसा लग रहा है कि साक्षात बैठे हुए हैं आशीर्वाद देने के लिए। अभी ट्विंकल दी बना रही हैं पनीर, तो पनीर आज बनने वाला है, उसके साथ पूड़ियाँ। तो ये हैं हमारे पनीर और ये है रायता। हाई फाई टेडी, हाई फाई, हाई फाई, हाई फाई टेडी, टेडी जल्दी से, जल्दी 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 हाई फाई प्लीज, हाई फाई दे दो ना टेडी, ये गुड बॉय, यू आर सो क्यूट, यू आर सो क्यूट, यू आर सो क्यूट टेडी, यू आर सो क्यूट, ओह माय गॉड। ओके सो अभी शाम लिया है एंड पूजा वूजा की तैयारी हो रही है, पूजा की थाली रेडी हो गई। वाह कितना सुंदर लग रहा है। हम पंडित जी का वेट कर रहे हैं, मीनवाइल ये सारी तैयारियां हो रही हैं। तो अभी पंडित जी आ गए हैं, सो पूजा शुरू होने वाली है। मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि, मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि, ओम अपवित्रा पवित्रो वा। क्यों वो कहता है आप अच्छे कर्म करें आपको अच्छा फल मिलेगा, अवश्य मेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम, आपके किए हुए कर्म आपको फल देते हैं ना कि कोई ईश्वर देता है। स्नानान्ते वस्त्रो वस्त्रं समर्पयामि युवा सुवासा परवीत्यागा सौ श्रेयान् भवति जायमाना त्वं दीनभूमता ऋतुबलं समर्पयामि ऋतुबलान्ते मुखवादार्थे ऋतुबलं समर्पयामि ऋतुबलान्ते मुखवादार्थे ऋतुबलान् प्रथमः स्वाहा। ॐ पाशीर नमः स्वाहा। ॐ पीताम्बर नमः स्वाहा। ॐ प्रमोद नमः स्वाहा। देव जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति दर्शन माते कामना पूर्ति जय देव जय देव। संकट सिर पे नाथ पर संकट से बोलिए हरि है मेरे साथ, पर संकट से बोलिए हरि है मेरे। बस यही छोड़ दो, यहाँ कोई नहीं जाएगा, छोड़ देंगे। पूजा हो गई खत्म और हवन भी हो गया, सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील हो रहा है, मतलब क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा है कि घर पे हैं। नॉर्मली बाहर रहते तो ये सारी चीज़ें नहीं होती है, बट बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब इतनी शांति सी लग रही है, पॉजिटिव फील हो रहा है। सही में हम भी करेंगे।
हाय लेडीज। Ring, right? Who? Take it. Yeah. Hi guys, good morning. तो अभी सुबह के एक बज रहा है, एक्चुअली सुबह के नहीं, दोपहर के एक बज रहा है, मतलब बजने वाला एक बजा नहीं है अभी तक। और आज मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा मुझे मज़ा आया इनके यहाँ रह के। अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये बना रही हैं दीदी स्पेगेटी। बस एक दिन मैंने इन्हें बोल दिया था कि मुझे आपके हाथ की खाने की मन हो रही है, सो बना रही हैं। हम अभी आए हैं हजरत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। दीदी के मामा को पिक करने आए हैं हम। आज दीदी का छोटा सा एक ऑपरेशन है पैर की उंगली का, तो आंटी आ रही हैं जस्ट उनका ख्याल रखने के लिए। तो अभी हम वेट कर रहे हैं और शायद यहाँ पे इस स्टेशन पे आज कोई मंत्री भी आने वाला है, रेल मंत्री, तो उसकी वजह से काफ़ी ट्रेन लेट चल रही है। तो हम टाइम पे तो हैं बट ट्रेन एक्चुअली लेट है। जी हेलो Take this away and this one.